भारत देश में आज नए सिरे से बिल्डिंग बन रही हैं जिनमें बाल पुट्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि दीवार पर पुट्टी करने से किसी भी बिल्डिंग की चमक हजार गुना तक बढ़ जाती है और पुट्टी से दीवार की दरारें अच्छे से भर जाती हैं, साथ में ही अच्छी फिनिशिंग भी आती है। तो चलिए फिर बता देते हैं कि हम आखिर इस बाल पुट्टी बिजनेस के में आपको क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा, क्या क्या मशीन लगेगी, रॉ मटेरियल मशीन कहाँ से खरीदें, क्या बनाने की प्रोसेस है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट कितना होगा, क्या क्या लाइसेंसेज लगेंगे, ऐसी तमाम तरीके की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें जिससे कि आपको बाल पुट्टी बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। घर बैठे पैसे कमाने की टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो पहले नंबर पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा। तो रॉ मटेरियल के तौर पर आपको व्हाइट सीमेंट लगेगा, एक दूसरा डोलोमाइट लगेगा और तीसरा सीमेंट लगेगा जो पॉलीमर रहता है। तो सीमेंट पॉलीमर, व्हाइट सीमेंट और डोलोमाइट को मिलाकर आपको वॉल पुट्टी बनाना होता है। बात कर लेते हैं दोस्तों मशीनरी। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ छोटे छोटे उपकरण मशीन की ज़रूरत पड़ती है। इस बिजनेस में भी ऐसी ही मशीनरी की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। हॉपर रहता है जिसमें सभी तरीके के जो तीनों मैंने रॉ मटेरियल बताए हैं उनको मिक्स किया जाता है। एक मिक्सर रहता है जिसमें और अच्छे तरीके से मिक्स किया जाता है। कुछ स्टोरेज सिलोज रहते हैं जिनमें आपके जितना भी आपका वॉल पुट्टी का मिक्सर हुआ है उसमें स्टोरेज करने के काम आता है और क्वालिटी चेक करने के लिए कुछ उपकरण भी लगते हैं। तो आप जब इस तरीके के सभी सामान सभी उपकरण इकट्ठा कर लेंगे तो आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। तो ये मशीनरी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से भी आप ये मशीनरी खरीद सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों रॉ मशीन और ये जो मशीन है इनके सप्लायर तक कैसे पहुँचे। तो इसके लिए मैंने ऑनलाइन जाऊँगा, ऑनलाइन आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप रॉ मटेरियल और मशीनरी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। आप चाहें तो ऑफलाइन भी ये सब मशीन और रॉ मटेरियल अपने लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं ऑनलाइन। देखिए दोस्तों ये मशीन मैं आपको बता देता हूँ, वॉल पुट्टी मेकिंग मशीन। ये 10 लाख का प्लांट है, पूरा वॉल पुट्टी प्लांट है। इसके अलावा ये 4.5 लाख का है। देखिए आप कितनी कैपेसिटी का प्लांट लगाना चाहते हैं ये उस हिसाब से मशीन है। इसके अलावा भी ज़्यादा, देखिए ये 1.5 लाख का पूरा है, 10 लीटर लगभग 1000 लीटर तक। इसके अलावा ऑटोमेटिक वॉल पुट्टी प्लांट ये 1 करोड़ का है, तो 2 से 14 टन पर आवर। तो इस तरीके से जितना ज़्यादा आपका आपकी कैपेसिटी रहेगी ये वॉल पुट्टी मेकिंग जो प्लांट है उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। अब बात ये आती है कि मशीन आप खरीदेंगे कैसे। दोस्तों मशीन खरीदने के लिए आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ये कॉल नाउ दिख रहा है, यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ये गेट बेस्ट प्राइस, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो कॉल नाउ आप जैसे करेंगे तो ये मैन्युफैक्चर के पास जानकारी पहुँच जाएगी और ये मैन्युफैक्चर आपको इस मशीन के बारे में पूरी जानकारी दे देगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप मशीन यहाँ से खरीद सकते हैं, लेकिन किसी भी के अकाउंट में भी पैसे डायरेक्ट ना दे डालें, इससे धोखाधड़ी होती है। तो सबसे पहले आप बात कर लें, उनके यहाँ पर विजिट कर लें और इन्होंने जहाँ जहाँ मशीन सप्लाई की है वॉल पुट्टी मेकिंग की, प्लांट सप्लाई किया है, वहाँ पर जाकर भी एक बार विजिट जरूर कर लें, उसके बाद ही खरीदें। अब मैं आपको बता देता हूँ रॉ मटेरियल कैसे खरीदें। तो अगर आप वॉल पुट्टी रॉ मटेरियल खरीदना चाहते हैं तो देखिए ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी। यहाँ पर कॉल ना और गेट बेस्ट प्राइस देख सकते हैं, यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर आप नीचे भी और भी दिए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप रॉ मटेरियल मशीन खरीद सकते हैं आसानी के साथ। आपको ये लिंक मैं दे दूंगा, बात करें या फिर आपके लोकल मार्केट से भी आप रॉ मटेरियल जो मैंने बताए हैं, मशीन जो मैंने बताई हैं, आप खरीद सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए रॉ मटेरियल और मशीन के अलावा भी कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनके बिना आप इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैन पावर। दोस्तों इस बिज़नेस को चलाने के लिए आपको 4 से 5 मैन पावर की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा दोस्तों ये मशीनरी जो रहेंगी, ये मशीनरी को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी। और जो अगर आप चाहें तो छोटे लेवल पर इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं जो कि 10 किलोवाट से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको आपकी मशीनरी के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ने वाली है। बात कर लेते हैं दोस्तों एरिया, तो जगह की भी ज़रूरत पड़ेगी और जगह की ज़रूरत आपको इस हिसाब से पड़ेगी कि आपका प्लांट का साइज़ कितना है, मशीनरी की साइज़ कितनी है, ऑफिस आप कितनी जगह में रखना चाहते हैं, रॉ मटेरियल रखने के लिए जगह और बना हुआ जो वॉल पुट्टी प्रोडक्ट है उसको रखने के लिए कितनी जगह ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको इस वॉल पुट्टी बिजनेस में आपको जगह की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि वॉल पुट्टी बनाने का प्रोसेस क्या है।
तो दोस्तों प्रोसेस बहुत ही आसान है। एक हॉपर जो मशीनरी हमने ऊपर बताई है उस हॉपर में तीनों को मिक्स कर देते हैं और 15 से 20 मिनट तक के लिए वो पूरा मिक्सर हो जाता है। मिक्सर होने के बाद क्वालिटी चेक हो जाती है और क्वालिटी चेक होने के बाद आप 50 किलो 25 किलो या 100 किलो के जो बोरे में या पैकेजिंग करके आसानी के साथ अपने ट्रक की सहायता से अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है, बहुत ही आसान है। कई ऐसी मशीनरी, कई ऐसे प्लांट हैं जो ऑटोमेटिकली रहते हैं और टोटल सभी मशीनरी एक ही जगह फिट करके दे देते हैं, जिससे आपको मैनुअली अलग अलग मशीन नहीं लेना पड़ता है। तो इस तरीके से ये इस बिज़नेस की ये प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं बॉल पट्टी बिज़नेस आप शुरू करना चाहते हैं इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो दोस्तों किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए इनिशियल लेवल पर आपको कम पैसा लगाना चाहिए, धीरे धीरे आप पैसे को बढ़ा सकते हैं। तो इनिशियल लेवल पर आप 10 से 15 लाख तक का इन्वेस्टमेंट इस बिज़नेस में होगा, जो कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी मशीनरी कितनी की है, आप रॉ मटेरियल कौन सा ले रहे हैं और साथ में ही आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर हम बात करें दोस्तों कि इस बिज़नेस में आपने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, आपको कितना प्रॉफिट होगा, तो इस बिज़नेस को जैसे ही आप चलाएंगे तो दोस्तों एक सामान्य तौर पर 7 से 15% तक का प्रॉफिट आपको हो सकता है नेट प्रॉफिट। ये भी इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका प्लांट कितने साइज़ का है, क्वालिटी आप कौन सी दे रहे हैं और रॉ मटेरियल वगैरह कितनी का खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ लाखों रुपये कमा सकते हैं। इस बिज़नेस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए लाइसेंस कौन कौन से लगेंगे, तो पहला लाइसेंस है GST, दूसरा लाइसेंस है उद्यम और तीसरा है NOC आपको लेना पड़ेगा, जो फायर सेफ्टी एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिपार्टमेंट से। तो दोस्तों किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए इन लाइसेंसों की सहायता से आप आसानी के साथ इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस बिज़नेस की हमने बात करी बॉल पट्टी बिज़नेस की, इसकी अगर हम बात करें तो भारत देश में बॉल पट्टी बिज़नेस का काफ़ी अच्छा भविष्य है। आप इसे आसानी के साथ शुरू कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों किसी भी बिज़नेस को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसका डिमांड और स्कोप देखें। अगर आज हर घर बनता है तो हर घर में वॉल पट्टी होती है, तो इसका डिमांड और स्कोप आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। तो सॉलिड बिजनेस आइडियाज़ का मकसद ही दोस्तों आपको आत्मनिर्भर बनाना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपका लाइक और आपका कमेंट ये हमें बताता है कि हमने इस वीडियो को कैसा बनाया है। साथ में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इसी तरह की बिज़नेस वीडियो आपको मिलती रहेंगी डेली। इस बिज़नेस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक फिर एक नए बिज़नेस आइडियाज़ के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।